ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਦੂਆ। ਸੋ ਪੀਬੀਐਨ ਦੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਈਲਾਈਟਸ। ਦੋਸਤੋ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਈਵਨ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਫ ਨੀਲੂ ਕੋਰਾ ਨੇ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ।
ਜੀ ਵਾਸਤੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਕਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ੈਫ ਜੱਜਿਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਫ ਨੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਮੈਮ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੇ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਤਾਂ ਇਸਕੋ ਕਰਵਾਉਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਥਾ ਰਸੋਈ ਕੁਈਨ ਹੈ ਕਿਆ ये कॉन्टेस्ट है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया गया है जिसमें हम चाहते हैं जो औरतें जिनमें उनका हुनर है खाना पकाने का वो घर से बाहर निकलें और इस हुनर को डिस्प्ले करें और इस हुनर के द्वारा वो सेल्फ रिलायंट बन सकें तो ऐसी बहुत सी औरतें जिन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता जब इस कॉन्टेस्ट में आती हैं वो जीतती हैं और अप्रिसिएशन पाती हैं तो फिर उन्हें पता चलता हाँ वो भी कुछ कर सकती हैं अच्छा इसमें आज पूरे ऑल ओवर पंजाब में से लोगों ने हिस्सा लिया था हाँ जी बिल्कुल तकरीबन कितने लोगों ने ये 100 से ऊपर ही थे जी और आज अपने कितने शॉर्ट लिस्ट किए नए इसमें हमने पहले अब जो फाइनलिस्ट है वो सेमी फाइनलिस्ट है वो 4 हैं पर पहले 15 किए थे फिर उसमें से अब 4 किए हैं जो सेमी फाइनलिस्ट हैं ठीक है वो इनका नेक्स्ट पार्ट 2 कहाँ पे होगा इसके बाद इसका दिल्ली में होगा जी दिल्ली में होगा जी और फाइनल भी दिल्ली में होगा इनका जी ठीक है तो मैं आप क्या कहेंगे सी द होल आइडिया रसोई क्वीन जो हम कोवी कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर हम लोग एक्चुअली काम ही वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे करते हैं फॉर अस इट्स नॉट अ फूड कॉम्पिटिशन हमारे लिए रसोई क्वीन और जो क्यूरेटर हैं रुचि जी उनके लिए रसोई क्वीन और जो हमारे मेंटर हमें सपोर्ट कर रहे हैं नीता जी शेफ हैप्पी शेफ गौतम शेफ मुनीश जतिन Everyone has done this Neelu ji without any cause involved so the cause is there we want every woman entrepreneurs to reach somewhere and jo nahi hai jinke paas time hai wo aage badhe aur kuch kaam kare so that they have no time for anything else you know especially women entrepreneurship is important they have time and modi ji ka bhi objective hai he is supporting women entrepreneurship like anything hamara goal wo hai food competition is just a way to achieve that goal thank you बहुत ही अच्छा कंपटीशन था ये बेसिकली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट कि जो लेडीज़ हैं वो अपने घर में जिस तरीके से रह रही हैं वहाँ से बाहर आएँ अपनी कला को लेकर के वो पूरे हिंदुस्तान में उसको लेकर जाएं और जो वो खाना घर पे बनाती हैं वो उसको आगे तक ले जाएं ताकि उनको एक अच्छा काम और एक ज़रिया मिल पाए अपने जीवन को गुजारा करने के लिए जीवन अपनी फैमिली को अच्छी तरह से पालन पोषण करने का तो ये बहुत ही अच्छा तरीका था और मैं समझता हूँ कि इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वो पूरे हिंदुस्तान में सब जगह होने चाहिए हमारे कोवे के साथ बिल्कुल ऐसे जो इवेंट है वो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह होने चाहिए लेकिन मैं एक क्वेश्चन ये इसमें पीछे ये भी पूछना चाहूँगा कोई भी इवेंट होता है किसी भी चैनल के लिए होता है तो पूछा जाता है कि अगर इस मंच पे पहुँच गया तो उसको आगे फ्यूचर में इसके लिए क्या स्थान होगा सो मैं ये क्या जानना चाहता जो रसोई क्वीन हम चुनी जाएगी उनको फ्यूचर में क्या स्थान आई कैन आंसर दैट एंड रुचि यू नीड टू ज्वाइन जो हमारा रसोई क्वीन सीजन 1 था आप बिलीव नहीं करेंगे वो जो फर्स्ट कॉन्टेस्टेंट थी शी वॉज जस्ट बेकिंग एट होम घर पर अपने शौक के लिए बनाती थी टुडे शी हैज इंस्टीट्यूशन अपना खुद का इंस्टीट्यूशन क्लासेस एंड स्कूल्स एंड शी हैज़ आल्सो बीन सिलेक्टेड फॉर वन ऑफ द यू नो टीवी शोज शी इज एंकरिंग इट दैट वाज वन सेकंड थर्ड दे हैव आल्सो स्टार्टेड देयर ओन बिजनेसेस यू नो दैट्स एन अचीवमेंट फॉर अस आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था इससे लेडीज़ को बहुत इंकरेजमेंट मिलती है जितनी भी लेडीज़ यहाँ पर थी उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए प्लेटफॉर्म जिसके साथ वो बहुत आगे जा सकती हैं और वो अच्छा काम कर सकती हैं और अच्छा उसको अपने आप को सक्सेसफुल कर सकती हैं लाइफ में एंड ये जो जजमेंट है इसी जजमेंट जो इनकी जजमेंट है उसके साथ उन्होंने आगे बढ़ना है और जिनके नहीं भी आया वो भी आगे से अच्छा करने की कोशिश करेंगी और आगे जाने की कोशिश करेंगी इसलिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था और बहुत अच्छा लगा ये सब आपके एग्जांपल दे रहे थे कि मैम ने कहाँ से मैं बिजनेस शुरू किया था आज कहाँ पहुँच गए हैं सो शौक से ही शुरू किया था मैंने अपने शौक से शुरू किया था मेरे को सिर्फ खाना बनाने का शौक था लोगों को खिलाने का शौक था यही मेरा शौक था और मैंने कभी पैसे के हिसाब से नहीं किया था और शौक से ही मैंने अपने किचन से स्टार्ट किया था और एक छोटे से हैंड चर्नर से काम शुरू किया हुआ था मैंने फिर मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनर किया है आउटस्टैंडिंग वुमेन ऑफ इंडिया तो इट वॉज अ ग्रेट ऑनर एंड आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट द अवार्ड फ्रॉम अब्दुल कलाम ही सेड और यू आर द आइसक्रीम लेडीज ऑफ विज्ञान भवन में जब ये मेरे को बुला गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रणब मुखर्जी से लगा स्टेट लेवल के अवार्ड्स भी मिले हैं मेरे को पंजाब स्टेट लेवल का अवार्ड भी है दूसरे बहुत सारे अवार्ड्स मिले और आई फीलिंग रियली रियली प्राउड हम इनके क्लब में हैं हम प्राउड है कि हम भी लुधियाना में ही रहते हैं हमारे साथ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एग्जांपल देते हैं कि अगर
मैम, रजनी बेक्टर मैम कर सकते, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप में उनको देख देख के कुछ करना सीखे। वैसे मेरा नाम भी ऑफिशियल नाम, मेरा नाम रजनी है मैम। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम बाहर जाते हैं और हमें दूर से क्रेमिका के प्रोडक्ट्स जाते हुए दिखते हैं, उस पे लिखा होता है मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका, तो हम लोगों को बताते हैं ये जो मिसेस बेक्टर है ना, ये हमारे वहाँ के हैं, लुधियाना के हैं और हमारे पास है, हमारे आंटी हैं। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटेड बाय कोवे एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट आई यू नो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, थैंक यू सो मच। बेसिकली मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये जो प्लेटफॉर्म आजकल लेडीज़ को मिला, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखेंगे मास्टर शेफ सीजन में काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं बट वो थ्रू नहीं कर पाते हैं, बट कोवी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने आज तक कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी देखी नहीं है। इन्होंने सिटी टू सिटी जाके जाना शुरू कर दिया है, उनको एम्पावरमेंट देने की कोशिश की है ताकि वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकें और अपने लिए कुछ कर सकें। तो बस बेस्ट ऑफ लक है इन सभी लेडीज़ को, अपना फ्यूचर अपना बनाएँ और ऐसे ही चलते रहें आगे। जिदा सर ने गल की मास्टर शेफ की, मैं आप मास्टर शेफ कंटेस्टेंट हाँ तो लुधियाना तो ही हाँ, तो देख के बहुत अच्छा लगता पे कि कोवी लुधियाना च आया, तो देर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, आई एम लाइक फीलिंग वेरी हैप्पी। और जितना भी सबने परफॉर्म किया, खाना बनाया, बहुत अच्छा था, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड जैसे भी अगले अगले राउंड जाते हैं और प्रोबेबली द बेस्ट वुमेन विंस। सो दोस्तों वेला चलिया प्रोग्राम अगे वधाउण दा, इस मौके ते असीं खास गलबात कीती रसोई क्वीन कुकिंग कंपीटीशन दे इवेंट ऑर्गेनाइजर यानी कि नीलू कोरा नाल। आओ वेखदे उहनां दा इवेंट बारे की कहना सी। मैम अज तुसीं ऑर्गेनाइज कीता पूरा इवेंट, किद्दां दा रहा, किद्दां किन्ने पटल परसन बाहर आए सी, पूरा ऑल ओवर पंजाब? इतने पार्टिसिपेंट्स की तो हमें उम्मीद नहीं थी, 120 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स थे जिसमें हमें जजमेंट करना भी मुश्किल हो गया था। इतने लोगों ने एफर्ट्स किए थे, स्टूडेंट्स ने, हाउसवाइफ्स ने, मतलब जैसे होता है ना, कभी शेफ्स ने मुझे बोला ये चीज़ें तो हम अपने मेन्यू में अपने रेस्टोरेंट में लाने वाले हैं, इतने अच्छे लोगों के एफर्ट थे। एक सबसे पहले हमारे पास तो इंस्पिरेशन हमारे पास खड़े रसोई क्वीन, मैं तो इनको ही कहूँगी नीता मैम, और हमारे क्लब के जो चेयरपर्सन है मिसिज रजनी बेक्टर, जो कहते हैं ना घर से आइसक्रीम बना के उन्होंने कहाँ तक अपना एम्पायर खड़ा किया, और वही चीज़ मैंने भी, मतलब जब मेरी मैरिज हुई तो बिल्कुल सिंपल खाना बनाती थी, मेरे हस्बैंड थे वो कहते थे मुझे घिया नहीं खाना है, तो मैंने घिया भी उनको ट्विस्ट करके खिलाया था। बात करें मैम टोटल कितने शेफ यहाँ पे आए थे? टोटल 6 शेफ थे यहाँ पे, शेफ गौतम, शेफ हैप्पी सिंह जी, शेफ मनीष पांडे, मैम नीता मेहता जी, और आज हमारे स्पेशल उसमें नीलू कारा जी भी आ गए शेफ। मैंने सबके मिलके सबके साथ मिलके ऑर्गेनाइज किया, मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, सबके साथ एक हमारी टीम थी जो हमने सबने मिलके दूसरे के सपोर्ट के साथ किया, शेफ जतिन खुराना भी साथ में थे। सो दोस्तों आस करते हैं कि प्रोग्राम बहुत ही वधिया लग्या, अपने शहर की सफाई रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो, और मेरे छोटे भैन भरा हमेशा पढ़ते लिखते रहन, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सो कैमरा पर्सन बी मनजीत के नाल हरदीप दुआ नूं दिओ इजाजत, धन्यवाद।